हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं प्रकाश का प्रावर्तन तथा परतन। मैं मृतिका वशिष्ठ। और हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो उससे आगे बढ़ते हुए आज हम करते हैं कि अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनेगा और कहाँ बनेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं बेटा। इसके जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें पर्टिकुलरली 6 केस मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, वैसे तो आप कहीं भी वस्तु को या ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं, लेकिन जो हमें पढ़ना है कि कहाँ ऑब्जेक्ट रखा हो और कहाँ उसका प्रतिबिंब बने, बिंब रखा हो और प्रतिबिंब बने, तो उसके हमारे सिलेबस में 6 केस दिए हुए हैं, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो पहला केस है जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर। अनंत समझते हैं, अनंत का मतलब होता है ऐसी दूरी जिसको हम माप ना सके। तो भाई ऐसी दूरी कौन सी है? ऐसी दूरी सूरज से जो किरणें आ रही है। लेकिन हमें तो आप कहेंगे कि मैडम सूरज की दूरी तो हमें पता है। तो बेटा यहाँ अनंत का मतलब होता है ऐसी दूरी जिस साइज का आपके पास दर्पण है उसके मुकाबले जो दूरी बहुत बड़ी हो हम उसे कहेंगे अनंत दूरी। क्लियर है? तो अनंत दूरी वो होगी जो दर्पण के जो ऑब्जेक्ट हम रखेंगे उसके मुकाबले जो दूरी हम नाप रहे हैं। क्लियर? तो देखिए, जब भी आपको ये कहा जाएगा कि प्रतिबिंब बनाइए, तो बेटा कुछ भी करने और सोचने से पहले सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जो भी दर्पण दिया हुआ है उसको ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, यहाँ लिखा है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, तो पहले काम क्या होगा, अवतल दर्पण बनाएंगे। तो अवतल दर्पण जिसका तल अंदर की तरफ दबा हुआ हो, अवतल दर्पण बना लिया। दूसरा काम आपने क्या करना है कि इस पे नेमिंग कर देनी है। जो चीजें हमने पिछले लेक्चर में सीखी थी वो थी, ये होता है ध्रुव जिसको लिखते हैं P से पोल, यहां कहीं होगा वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर C, और इससे आधी दूरी पर होता है मुख्य फोकस F। इतना काम तो आपने कर ही लेना है। इसके बाद आपने देखना है कि वस्तु कहां रखी है। वस्तु कहां रखी है? अनंत पर। बेटा जब भी कोई वस्तु अनंत पर, यानी प्रकाश का स्रोत, किरणें कहां से आएंगी, जहां वस्तु रखी होगी, तो प्रकाश का जो स्रोत है वो कहां रखा है, अनंत पर रखा है। अनंत पर जो चीज रखी है उससे किरणें, ये मान के चलिए कि कैसे आएंगी, समानांतर आएंगी। ठीक है, तिरछी किरणें नहीं आएंगी, समानांतर किरणें आएंगी। तो ये लीजिए, ये आ गई समानांतर किरण। वैसे तो एक किरण बहुत है, लेकिन क्योंकि सारी किरणें समानांतर आ रही है तो हम यहां पर कम से कम 2 किरणें जरूर बनाएंगे। क्लियर है? तो पहली किरण आई वो अवतल दर्पण पर गिरी, और ये दूसरी किरण आई ये अवतल दर्पण के ऊपर गिरी। अब क्या होगा, ये परावर्तक पृष्ठ है तो परावर्तन होगा। बेटा पहला रूल जो हमने पिछले लेक्चर में 4 रूल किए थे उसका पहला ही रूल ये था कि यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से गुजरेगी। यानी कि ये जो किरण है ये कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से। इस तरीके से चली जाएगी, दिशा आप निशान देंगे इस तरीके से। यही होगा इस किरण के साथ भी। अब ये आई है समानांतर किसके, मुख्य अक्ष के। तो इस परावर्तक पृष्ठ पर परावर्तन के बाद ये कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से। तो ये देखिए, इस बिंदु पर ये दोनों किरणें मिल गई। जहां 2 किरणें मिल जाए, बस 2 किरणें ही काफी है आपको प्रतिबिंब का पता लगाने के लिए। जहां ये 2 किरणें मिल जाए वहां पर क्या होगा, प्रतिबिंब। तो बेटा ये कहां मिल रही है, मुख्य फोकस पर। तो हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब के बारे में पहला जो है कि प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं यहां पर देखकर कहां होगी, मुख्य फोकस पर। ओके, और क्या क्या पता लग रहा है हमें, ये देखिए किस साइज का होगा ये ऑब्जेक्ट, ये जो वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब बना वो किस साइज का बना होगा। ये देखिए बिल्कुल बिंदु साइज का बना है, तो यहां क्या आ जाएगा, बिंदु साइज का। ठीक है, बिंदु साइज। और बेटा ये कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और साथ के साथ 2 किस्म के प्रतिबिंब होते हैं, एक आभासी और एक वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब मतलब जब किरणें वास्तविक तौर पर कहीं पर एक दूसरे को मिले, ये वास्तविकता में मिल रही है, तो प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा, वास्तविक। तो उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा।
तो बेटा ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि स्थिति क्या होगी, प्रकृति क्या होगी और आकार क्या होगा, तो आप बता देंगे, सिंपल था। देखिए स्टेप बाय स्टेप कीजिए आप इन सारी चीजों को, ये बहुत ही सिंपल और मैथमेटिक्स की तरह है, बहुत सिंपल, बस आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। जब भी कोई दर्पण दिया जाए पहला काम वो दर्पण बना लीजिए, उसके बाद जितनी भी हमें नेम पता है, ध्रुव पता है, मुख्य फोकस पता है, वक्रता केंद्र पता है और मुख्य अक्ष पता है वो बना लीजिए। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या होगा, ये देखिए वस्तु कहाँ है और जो चार रूल हमने सीखे हैं वो रूल वहां पर अप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले पहला रूल, फिर दूसरा रूल, अगर दोनों काम नहीं कर रहे हैं तो तीसरे और चौथे रूल की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां तक अगर क्लियर हो गया है तो हम बढ़ते हैं फिर दूसरी स्थिति की ओर। तो यहां था कि वस्तु कहां है, अनंत पर। अब देखिए अनंत से आ रहे हैं, ओके। दूसरा केस, वैसे ये केस आपको दिए हुए मिलेंगे कि वस्तु कहां रखी हुई है, लेकिन फिर भी अब अगर हम नजदीक आ रहे हैं, किसके नजदीक आते जाएंगे, दर्पण के नजदीक। तो अब तक दर्पण के नजदीक आते जा रहे हैं तो सबसे पहले इस मुख्य अक्ष पर कहां पहुंचेंगे, यहां कहीं होंगे ना, यानी एफ सी पी सबसे दूर होंगे, तो हम लिखेंगे सी से पर। यानी दूसरा जो केस हमारे पास आएगा वो होगा जब वस्तु कहां होगी, सी से परे, सी से परे। ठीक है बेटा, अब देखो सी से परे है, अब फिर से आपको अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब के बारे में बताना है। तो बेटा फिर से मैं वही बात दोहराऊंगी, अवतल दर्पण है तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, फटाफट से अवतल दर्पण बना लेंगे। दूसरा काम क्या करना होता है हमें, मुख्य अक्ष, ये बन गया मुख्य अक्ष। फिर कर दीजिए नेमिंग, यहां क्या होता है, ध्रुव पी, यहां कहीं होगा वक्रता केंद्र और इसके कहीं सी और पी के बिल्कुल बीच में कौन होगा, एफ। इतना काम हो गया, अब आगे चलते हैं। वस्तु रखी है सी से परे, बेटा कहीं भी रख लो सी से परे, कहीं भी मुख्य अक्ष कितना ही पीछे ले जाओ आपकी मर्जी है, ये भी सी से परे है, यहां भी सी से परे है, हम यहां रख लेते हैं। ठीक है, और वस्तु को दिखाने का तरीका ये होता है, ये ड्रॉइंग का पेपर नहीं कि आप यहां कुछ बनाएंगे, सिर्फ एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कीजिए और तीर का निशान लगा दो, ये वस्तु की स्थिति बता दी, वो कहां रखा है, सी से परे। इतना काम हो गया। फिर हम आते हैं हमारे चार रूल्स पे। पहला रूल ये कहता है कि यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आए, देखिए अब मैं क्या कह रही थी आपको कि ये जो वस्तु है इसको हम क्या मान के चलेंगे कि ये प्रकाश का स्रोत है। अब इस वस्तु से हर दिशा में किरणें जा रही है, इस दिशा में, यहां यहां, पीछे की तरफ भी जा रही है, नीचे की तरफ भी जा रही है, ऊपर की तरफ भी जा रही है, सारी किरणें नहीं बना रही है, हमने सिर्फ उन चार किरणों का इस्तेमाल करना है जो हमने पढ़ी थी। क्लियर, तो इसीलिए बेटा पहली किरण जो हम बनाते हैं वो कौन सी बनाएंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर। क्लियर, तो पहली किरण बनाई मुख्य अक्ष के समानांतर, जो किरण समानांतर जाती है अवतल दर्पण से टकरा के वो वापस आएगी और कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से। इतना काम हो गया। अब आते हैं दूसरे रूल पर। दूसरा रूल ये कहता है यदि किरण कहां से गुजरे, मुख्य फोकस से गुजरे, मुख्य फोकस से गुजरे। क्लियर, तो ऐसी किरण परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो बेटा इसको हम कर लेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर। ठीक है, ये चली गई समानांतर। बेटा ध्यान दीजिए ये दोनों किरणें कौन सी किरणें, परावर्तन के बाद की किरणें, एक ये वाली किरण और एक ये वाली किरण कहां मिल रही है, यहां पे मिल रही है, ये है इनका मीटिंग पॉइंट। ठीक है, तो जहां ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी वही होगी प्रतिबिंब की स्थिति। क्या मुझे बता सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति क्या आई, सी और एफ के बीच में। इसका मतलब अब की बार यहां स्थिति पर हम क्या लिख देंगे, सी तथा एफ के बीच में। क्लियर, ये आ जाएगा सी तथा एफ के बीच में। दूसरी बात आकार, बेटा ये जो आकार बना है, ये जो ओरिजिनल वस्तु हमारे पास थी उससे छोटे साइज का बनेगा। आपको भी दिख रहा है कि वो अगर सीधा है तो ये कैसा बना है, उल्टा बना है।
और ये किरणें वास्तविक रूप से एक दूसरे को प्रतिच्छेदती हैं, तो इसका मतलब वास्तविक भी है, तो वास्तविक भी है, आकार में छोटा भी है और साथ में उल्टा भी है। तो बिंदु साइज की बजाय हम यहां लिखेंगे वस्तु से छोटा, क्लियर, और उल्टा तो है ही और साथ में क्या है, वास्तविक है, तो ये आ गई प्रकृति, क्लियर है। तो यहां तक हमने दो केस कर लिए हैं कि अवतल दर्पण के सामने अगर वस्तु अनंत पर रखी हो या फिर थोड़े नजदीक अगर आए सी से परे रखी हो तो किस तरीके का प्रतिबिंब बनेगा। देखिए दोनों ही केस में एक चीज कॉमन आई है कि प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक भी बन रहा है और छोटा भी बन रहा है। समझ आ रही है बात? यानी अवतल दर्पण के सामने अगर इन स्थिति में आप लोग खड़े होके खुद को देखेंगे तो आप अपने आकार से छोटे नजर आएंगे, क्लियर है। अब चलते हैं हम तीसरे केस पर। अब और नजदीक आ जाओ बेटा, और नजदीक आएंगे तो कहां आ जाते हैं, सी पर आ जाते हैं, सी मतलब वक्रता केंद्र पर। तो सी से परे की बजाय हम अब की बार अपनी वस्तु को, प्रकाश स्रोत को कहां रखते हैं, सी पर रखते हैं। तो इसे मिटा देते हैं। बेटा आप अपनी अपनी नोटबुक्स में साथ में कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए कि यहां जो मैं करवा रही हूं क्या आप खुद कर पा रहे हैं। चलिए फटाफट से अपनी नोटबुक में पहला काम कीजिए। पहला काम क्या होगा, अवतल दर्पण बनाना। बनाइए अवतल दर्पण, ये बन गया अवतल दर्पण। दूसरा काम, दूसरा काम होता है मुख्य अक्ष ड्रॉ करना। तो आपने मुख्य अक्ष ये खींच दिया यहां पर। तीसरा काम नेमिंग करना, ये हो गया पी, यहां आ गया C और इनके बीच में आ गया F। इतना हो गया सबका। अगर यहां तक कर पा रहे हैं मतलब आप सही से सीख रहे हैं। अब आगे चलते हैं, हमारी वस्तु कहां रखी है, C पर। तो ये रख दिया C पर, बना दिया इतना, ओके। फिर क्या करते हैं बेटा, फिर हम करते हैं चार रूल्स का यूज। वो चार रूल, चार नियम किरण के क्या क्या है। पहला नियम, पहली किरण हम भेजेंगे समानांतर, ये भेज दी समानांतर। समानांतर किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस आएगी और कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस, ये गुजर गई, गई। दूसरा नियम, दूसरा नियम कहता है कि यदि किरण मुख्य फोकस से गुजरे, ये गई मुख्य फोकस से, तो परावर्तन के बाद ये कहां से, क्या होगा इसके साथ परावर्तन के बाद, ये होगा ये कि मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी ये। तो बेटा ये दोनों किरणें मिल गई, कहां मिली, सी पर। कहां मिली ये, सी पर, ओके। इसको थोड़ा सा और हम सीधा कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैडम ये तो सी पर तो नहीं मिली, दरअसल हम यहां स्केल यूज नहीं कर रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत है। इसे करते हैं, ये और स्टॉप। तो बेटा ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों किरणें परावर्तन के बाद मिल रही हैं वो कहां मिल रही है, सी पर। तो इसका मतलब प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो कहां आएगी, सी पर, क्लियर। उसके बाद आकार, ये देखिए आकार यहां बनेगा वो सेम उसी साइज का बनेगा जिस साइज का हमारे पास बिंब होगा, यानी वस्तु होगी। तो सी पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, वस्तु के आकार का, समान साइज का। तो हम यहां लिखेंगे समान साइज का, ओके। उसके बाद उल्टा है, यदि हम इसको सीधा कहें तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा। और ये किरणें वास्तविक तौर पर आपस में मिल रही हैं, तो नेचुरली जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, वास्तविक। तो प्रतिबिंब के बारे में क्या का पता चला, अब की बार किसी पर बनेगा, समान साइज का बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। इज दैट क्लियर टू यू? तो हमने तीन केस कर लिए हैं। देखिए जो पहला केस किया उसमें बिंदु साइज का, थोड़ा जब वस्तु नजदीक आई दर्पण के तो वस्तु से छोटा बना। अब जब सी पर आ गए हैं तो समान साइज का बना है प्रतिबिंब। अब देखते हैं कि यदि थोड़ा सा और नजदीक ले आए तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब, और नजदीक अगर लेके आए
सी और एफ के बीच में, यानी अगला केस आइडिया लगा सकते हैं क्या होना चाहिए, वस्तु कहाँ रखी होनी चाहिए, सी और एफ के बीच में, क्लियर? तो रख दीजिए फिर, यहां हम लिखेंगे केस नंबर 4 और वस्तु रखी है सी तथा एफ के बीच, सी तथा एफ के बीच, क्लियर? अब क्या करना है, अब मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद से फटाफट से करिए, अवतल दर्पण बनाइए और मुख्य अक्ष ये हो गया, उसके बाद यहां आ गया हमारे पास ध्रुव, ये हो गया सी और कहीं बीच में हो गया एफ, क्लियर है? ये काम आपने कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं, वस्तु रखी है सी और एफ के बीच में, कहीं भी रख सकते हो, जरूरी कि आप बिल्कुल सेंटर देख के रखेंगे, तो हमने यहां रख दी वस्तु, क्लियर है? सी और एफ के बीच में रखने पर फिर हम उन चार नियमों में से चलेंगे। पहली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर ये गए और ये मुख्य फोकस से होते हुए वापस आ गए इस तरीके से। दूसरा नियम कहता है कि यदि मुख्य फोकस से गुजरे और फिर कहां जाए, अवतल दर्पण तक जाए, तो उसके बाद ये हो जाएगी मुख्य अक्ष के समानांतर, ये हो गई मुख्य अक्ष के समानांतर। तो बेटा अब ये दो किरणें मिल चुकी हैं, कहां मिली हैं, यहां, भाई ये बिंदु कहां आया, यहां पर आया, सी से परे, क्या कहेंगे इसको, सी से परे। क्या आप कुछ और भी देख पा रहे हैं कि वस्तु का आकार इतना था और प्रतिबिंब का आकार कुछ बड़ा हो गया है, ठीक है? यानी कि स्थिति आई हमारे पास सी से परे और आकार आया वस्तु से बड़ा। हाँ बेटा उल्टा है, यस उल्टा है, वास्तविक है, हाँ, क्योंकि किरणें वास्तविक रूप में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो किरण वास्तविक तौर पर मिलेगी, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक, तो सी से परे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। क्या आपको ध्यान है कि जब हमने सी से परे वस्तु को रखा था तो प्रतिबिंब कहां बना था, रिकॉल कीजिए, तो आप देखेंगे कि प्रतिबिंब बना था सी और एफ के बीच में, यानी ये ठीक उल्टा हुआ है, अब की बार वस्तु सी और एफ के बीच में है और प्रतिबिंब सी से परे बना है, क्लियर? और दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि प्रतिबिंब का आकार जो है वो धीरे धीरे बिंदु साइज से बढ़ते बढ़ते देखो वस्तु से बड़ा हो चुका है, ठीक है? यानी हम जब जब अवतल दर्पण के नजदीक जाते जा रहे हैं हमारे प्रतिबिंब का जो आकार है वो बड़ा होता जा रहा है। अगले केस में देखते हैं क्या होता है। अगला केस कहां चलें, थोड़ा और नजदीक चलते हैं। थोड़ा और नजदीक का मतलब क्या होगा बेटा, सी और एफ के बीच से अब कहां पहुंच जाएंगे हम, एफ पर, ओके। तो फिफ्थ केस में अब है वस्तु एफ पर, तो बेटा ये है हमारा पांचवा केस, जो वस्तु कहां रखी हो, एफ पर, मुख्य फोकस पर। तो ये बना लिया हमने अवतल दर्पण, ये हो गया मुख्य अक्ष और यहां है पी, यहां कहीं होगा वक्रता केंद्र सी और इसके बीच में होगा मुख्य फोकस एफ। तो अब की बात जो वस्तु है वो खुद कहां रखी है, मुख्य फोकस पर, ओके। तो अब क्या करेंगे, रूल लगाएंगे, ठीक है? पहली किरण हुई समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर, परावर्तन के बाद ये किरण कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से, ये चली गई यहां, क्लियर, ओके। दूसरा रूल ये कहता है कि यदि किरण मुख्य फोकस से गुजरे, बेटा मुख्य फोकस से अगर गुजरे यानी नीचे की तरफ अगर जाए तो वो अवतल दर्पण से तो टकराएगी नहीं, मतलब हमारे किसी काम की नहीं है वो किरण, तो हम क्या करेंगे फिर, तीसरा रूल लगाएंगे। तीसरा रूल ये कहता है कि यदि किरण सी से गुजरे, यानी किरण
सी, तो इस तरफ है, अगर हम किरण इस तरीके से बना दें तो बेटा ये किरण पीछे की तरफ जा रही है और यहाँ कोई दर्पण नहीं रखा है तो मतलब परावर्तन नहीं होगा और हमें चाहिए परावर्तन के बाद की किरणें, तो इसलिए हम पीछे जो किरण जा रही है उसको ना लेते हुए हम कौन सी दिशा लेंगे, हम ये करेंगे कि किरण आगे की तरफ जाए लेकिन दिशा कौन सी हो, वक्रता केंद्र की। क्लियर, दिशा किसकी होनी चाहिए, वक्रता केंद्र की। मैंने आपको बताया था कि इस प्रकाश पुंज से, इस वस्तु से हर दिशा में किरणें जाती हैं, तो हम दिशा की बात करेंगे और दिशा सी की कौन सी दिशा है, दिशा है ये दिशा, यानी इस तरफ किरण जाएगी। जो किरण इस तरफ जाएगी वो किरण वापस आ जाएगी, क्योंकि सी के लिए रूल यही है कि किरण परावर्तन के बाद इसी पथ पर लौट आती है और ये लौट आई, ये जो किरण लौट के आई ये आप देख रहे हैं कि दोनों किरणें कैसी हो गई हैं, समानांतर। और बेटा समानांतर किरणें आपस में कहां मिलती हैं, कहो कि कहीं नहीं मिलती, जो कहीं नहीं मिलती उसका मीटिंग पॉइंट होता है अनंत पर, कहां मिलती है वो, अनंत पर। इसका मतलब अब की बात प्रतिबिंब जो है वो कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा, यानी वस्तु मुख्य फोकस पर और प्रतिबिंब बना अनंत पर। याद कीजिए पहला केस क्या था, जब वस्तु रखी थी अनंत पर और प्रतिबिंब बना था मुख्य फोकस पर, ठीक उल्टा। तो प्रतिबिंब की स्थिति अगर हम लिखें तो वो आ जाएगी अनंत पर और आकार होगा वस्तु से बड़ा और प्रकृति, प्रकृति उल्टा तथा आभासी। बेटा आभासी क्यों कहा, वास्तविक क्यों नहीं कहा आपकी बार, क्योंकि ये सच में थोड़ी ना मिलता है, वास्तविक रूप से ये किरणें कभी नहीं मिलेंगी, ये सिर्फ आभास दे रही है कि ये कहां जाके मिलेंगी, अनंत पर, और अनंत तो अनंत है तो इसलिए क्या आ जाएगा, आभासी। तो ये हो गया हमारे पांचवा केस की जो वस्तु एफ पर है। अब बचा है बेटा अंतिम केस, अंतिम यानी थोड़ा सा और नजदीक ले आए, अब की बार वस्तु हम पोल के ध्रुव के नजदीक ले आते हैं बिल्कुल, और जब बहुत नजदीक ले आएंगे तो कहां रखी जाएगी, एफ तथा पी के बीच में, यानी ध्रुव के बहुत नजदीक। ओके, छठा केस, वस्तु एफ तथा पी के बीच, एफ तथा पी के बीच। ओके, तो क्या करेंगे पहला काम, पहला काम वही फिर से दोहराना ना पड़े, अवतल दर्पण बनाएंगे और मुख्य अक्ष बनाएंगे, यहां होगा पोल पी, ये होगा वक्रता केंद्र और यहां होगा मुख्य फोकस एफ। बेटा इन दोनों के बीच में कहीं यहां ये रख दिया हमने, ठीक है। अब इतना काम तो देखो आप सब सीख चुके हो, इसमें कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है जो समझ पाए, इसके बाद हम रूल लगाते हैं। तो पहली किरण बनाएंगे, कहां बनाएंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर। बेटा अगर हम मुख्य अक्ष के समानांतर किरण इस दर्पण पर भेजेंगे तो वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरनी चाहिए, क्या आप बताएंगे कि ये क्या मुख्य फोकस, यानी ये इसके अंदर से नाना, ये पारदर्शी वस्तु नहीं है जो इसके अंदर से किरण जाए, मतलब ये जो नियम है वो हमारे काम का नहीं है, ठीक है। तो हम इसको इस्तेमाल ही नहीं करेंगे क्योंकि हमने चित्र को साफ सुथरा और समझ आने वाला बनाना है, इसलिए जो किरणें हमारे काम की नहीं वो ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं। तो पहला नियम काम नहीं आया तो क्या करते हैं, दूसरा नियम, दूसरा नियम कहता है यदि किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरे, मुख्य फोकस से होकर इधर की बजाय हम क्या लेंगे, मुख्य फोकस की दिशा वाली किरण, है ना, क्योंकि इस तरफ दर्पण नहीं है तो हम दिशा वाली किरण लेंगे, यानी इस दिशा में, इस दिशा में किरण गई, इस दिशा में जो किरण जाती है मुख्य फोकस की दिशा में वो क्या करती है, वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, ये हो गई समानांतर। ओके, अब तीसरा नियम, तीसरा नियम कहता है कि यदि सी की दिशा
में किरण जाए तो वो उसी पथ पर वापस लौट आएगी। सी की दिशा ये है भाई, सी की दिशा ये है, सी की दिशा, ठीक है। इस दिशा में अगर किरण जाती है तो वापस लौट के इसी पथ पर आ जाएगी। बेटा ये जो दो परावर्तन किरणें हैं, एक ये और एक ये, आप देखिए इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और ऐसी किरणें जिनकी बीच की दूरी बढ़ती जाए वापस में कहां मिलेगी? यहां देखिए दो रेखा हम बनाते हैं, देखिए क्या ये किरणें इस तरफ कहीं मिलेंगी? नहीं, लेकिन ये आभास दे रही है कि ये कहीं पहले इस तरफ मिली होंगी। क्लियर है? ठीक ऐसा ही हो रहा है इन दो किरणों के बीच में, ये इस तरफ तो नहीं मिल सकती, लेकिन हाँ ये आभास दे रही है कि कहीं पीछे से, दर्पण के पीछे से ये जरूर मिली होंगी। यहां और यहां बनेगा प्रतिबिंब। बेटा ये वास्तविक तौर पर नहीं मिली, सिर्फ आभास दिया है कि वहां मिली होंगी, तो प्रतिबिंब कैसा हुआ? आभासी। और प्रतिबिंब आप आकार भी देख रहे हैं वस्तु से कैसा है? बहुत बड़ा। और बेटा पहली बार कैसा है? सीधा है ना, हमेशा कैसा बना है? उल्टा। तो हम यहां स्थिति में लिखेंगे दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा लेकिन उल्टा नहीं, सीधा, सीधा। बेटा ये इकलौता केस ऐसा है जहां पर अवतल दर्पण के सामने अगर वस्तु है उसका प्रतिबिंब कैसा बने? सीधा बने। और वो कब है? जब हम बहुत नजदीक रखें। तो यहां से आप कुछ देख पा रहे हैं, यानी अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है कि यदि हमने अपना चेहरा बहुत बड़ा देखना है तो अपने चेहरे के बहुत नजदीक रखो तो वो सीधा चित्र भी बनाएगा और बहुत बड़ा भी बनाएगा। तो इस तरीके से इसके उपयोग हम करेंगे, कहां कहां ये दर्पण यूज होता है। अभी के लिए ये जो छह केस है प्रतिबिंब के, हम यहां पर अपने लेक्चर को खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे। ठीक है बच्चों।